पाकिस्तान बैटर की मैच में हुई बेइज्जती, बीच मैदान में लगे नारे, पीसीबी चीफ का है करीबी। पाकिस्तान चंद घंटों में ही अर्श से फर्श पर आ गया। न्यूजीलैंड के हाथों पांचवें वनडे में मिली हार के साथ ही बाबर आजम की टीम से वनडे रैंकिंग में नंबर वन का ताज भी छिन गया है। कीवियों के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान के बैटर को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 47 रन से हार का सामना करना पड़ा। कीवियों से मिले 300 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई। बाबर आजम की टीम सीरीज को 4-1 से जीतने में कामयाब रही, लेकिन आखिरी मैच में हार के कारण उससे वनडे रैंकिंग में नंबर एक का ताज छिन गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान के बैटर शान मसूद को भी शर्मसार होना पड़ा। कराची स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने मैच के बीच शान मसूद के खिलाफ जोर जोर से पर्ची पर्ची के नारे लगाए। पर्ची का मतलब सिफारसी खिलाड़ी होता है। सीरीज में शान मसूद को 3 मैचों में खेलने का मौका मिला, जिसमें वह महज 52 रन बना पाए। आखिरी मुकाबले में वह 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का पसंदीदा माना जाता है। फैंस का मानना है कि शान मसूद को टीम में जगह प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि फेवरेटिज्म के आधार पर मिली है। ऐसे खिलाड़ी को टीम का उपकप्तान बनाना जो प्लेइंग 11 में ही फिट ना हो, इस फैसले की आलोचना होने पर पीसीबी चीफ नजम सेठी ने कहा कि उनके कहने पर शान मसूद को ये जिम्मेदारी दी गई थी। सेठी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान टीम का कप्तान और उपकप्तान कौन होगा ये मैं तय करूंगा।